दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं देवप्रयाग संगम के कुछ बेहतरीन नज़ारे। ये देखो, यहाँ पर मेरे पीछे है प्राचीन मंदिर, पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है। बाकी हम नीचे संगम की ओर बढ़ रहे हैं। अभी देख सकते हो दोस्तों, कितनी खड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, देवप्रयाग का ये है पवित्र संगम, जहाँ पर लोग देश विदेश से हमेशा प्रत्येक वर्ष जो है हर समय यहाँ पर आते रहते हैं। तो अभी मैं उसी चीज़ को आपको बताने जा रहा हूँ। आपका कालू इधर देखो, फोटो भी खींच लिया साथ साथ है। तो अभी मेरे साथ आप देख पा रहे हो, यहाँ से जो है अलकनंदा और यहाँ से भागीरथी और यहाँ से अलकनंदा बहती हुई चलती है। मतलब साफ पानी जो है आपका भागीरथी का है, और गंदा पानी थोड़ा जो आ रहा है वो आ रहा है आपका अलकनंदा का। तो यहीं पर जो है दोनों का संगम मिलकर यहाँ पर जो है गंगा नदी बनती है। यहाँ पर स्नान घाट है, आप स्नान वगैरह कर सकते हो। और माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति के जितने भी पाप कर रखे हों यहाँ आकर सब धुल जाते हैं, माना जाता है। तो इसी मान्यता के अनुसार जो है लोग जो है देश विदेशों से प्रत्येक वर्ष हर समय यहाँ पर पहुँचते रहते हैं, और स्नान करके जो है अपने आप को हल्का पवित्र महसूस करते हैं। तो आपने मेरे साथ देखा देवप्रयाग का ये अनोखा संगम। मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ से देख सकते हो आप कितनी बेहतरीन फुटेज आपको दिख रही होंगी। आप बताना कमेंट सेक्शन में, बाकी ज़्यादा क्या बताना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी जिन्होंने देवप्रयाग नहीं देखा हो या देख भी रखा हो, आजकल कैसा है देवप्रयाग का ये संगम, आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो समाप्त मैं पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर एक मंदिर है जो कि आपको बताना महत्वपूर्ण है। चलो आपको यहाँ के बारे में बताते हैं। तो यह वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर लौटने पर यज्ञ किया था। मेरे से जो भी गलतियाँ हो मुझे माफ़ करना, क्योंकि यहाँ पर सही तरीके से देखा नहीं जा रहा है कि क्या लिखा हुआ है। जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आपको बताते हैं, तो यहाँ पर जो है प्रथम शताब्दी में आदि शंकर द्वारा श्री रघुनाथ जी की मूर्ति की स्थापना कर मंदिर का निर्माण किया गया था। यह हमारी पुण्य भूमि के 108 दिव्य क्षेत्रों में से एक है। यहाँ संपूर्ण भारत के कोने कोने से तीर्थ यात्री सदियों से आते रहे हैं। मंदिर के पीछे एक शिलालेख में एक ऐसे ही तीर्थ यात्री का उल्लेख है जो यहाँ प्रथम शताब्दी में आया था। इस पवित्र मंदिर का जीर्णोद्वार कांची कामकोटी पीठ के पूज्यपाद श्री शंकराचार्य के आदेश पर भगवान श्री राम के भक्तों ने वर्ष 1986-87 में किया। तो आपको मैंने यहाँ के बारे में थोड़ा बताया, जो कि यहाँ पर मुख्य पत्थर पर यहाँ पर लिखा हुआ है। आप भी अगर देवप्रयाग गंगा नदी के संगम पर आए तो यहाँ पर इस मंदिर से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अवश्य जाना। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार जो आप मेरी वीडियो में इतने लास्ट तक बने रहे और बने रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और साइड में अलग अलग वीडियो शो हो रही होंगी उन्हें भी क्लिक कर अवश्य देखना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ में, तब तक आप लोगों का फिर से दिल से धन्यवाद।